सफीदों के सरला मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज के छात्र छात्राओं ने री अपीयर की फीस को लेकर CRSU यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान अटल छात्र संगठन के प्रदेशाध्यक्ष अजीत पाथरी की अध्यक्षता में SDM मनदीप कुमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि यूनिवर्सिटी ने लॉकडाउन के दौरान मार्च 2020 में द्वितीय सेमेस्टर की फीस ली गई थी, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी द्वारा दोबारा से वही फीस ली जा रही है। बहुत सारे विद्यार्थी सामान्य परिवारों से आते हैं और बार बार वो इतनी फीस भरने में असमर्थ हैं। इस बारे में विद्यार्थी यूनिवर्सिटी प्रशासन से कई बार मिल चुके हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ कोरे आश्वासन ही मिले। सरला मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज से, और जो हमने मार्च में लॉकडाउन में हमने जो री के फॉर्म भरे थे तो उनके हमसे फीस ली गई थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते हमें ना ही प्रमोट किया गया और ना ही अब हमारी जो फीस भरी थी हमने वो मान्य की गई। हम सभी छात्राओं की ये मांग है कि या तो हमें प्रमोट कर दिया जाए या जो हमने फीस दे रखी है उसके आधार पर ही हमारे एग्जाम लिए जाए, क्योंकि बच्चे सभी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और दोबारा फीस भरने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए हम सभी की यूनिवर्सिटी से यही मांग है कि या तो हमें प्रमोट कर दिया जाए या फिर जो हमने फीस भरी है उसी के आधार पर हमारे एग्जाम लिए जाए। आज का जो एक मुद्दा है वो CRS यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, जो कि मार्च में जिन छात्रा के और छात्रा के री आ रही थी उस पर फीस ली गई थी यूनिवर्सिटी द्वारा, और वो 700-800 रुपये फीस थी। और फिर उसमें जो कोरोना काल था ये भी बोला गया था कि आपको मतलब प्रमोट कर दिया जाएगा एग्ज़ाम में, लेकिन अब एक दूसरा नोटिस आया कि वो जो फीस भरी थी वो दोबारा से भरो। और जब छात्रों ने उसके लिए इंक्वायरी की यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ पर उनका जो रिप्लाई आया यूनिवर्सिटी का, वो रिप्लाई ये था कि आपने दोबारा तो फीस भरनी पड़ेगी, जो फीस दी थी उस टाइम मतलब पास कर दिए 4th सेम के मैं जो स्टूडेंट थे वो पास कर दिए। हालांकि ऐसा कोई वो नहीं था, ये सरकार ने खुद बोला था कि जो छात्र है लॉकडाउन में क्लास नहीं लगी उन्हें पास उनका करना फ़र्ज था, और ये कल मतलब क्या कहना है कि आप दोबारा फीस दो, ये तो एक छात्र के साथ मतलब धोखाधड़ी का मामला है, उसकी गर्दन को काटने का काम करी है CRS यूनिवर्सिटी। अभी सारे मतलब जो छात्र हैं वो गरीब परिवार से हैं और फीस नहीं भर पाओगे और दोबारा 700-800 फीस समथिंग कुछ है। बता दें कि इस दौरान छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यूनिवर्सिटी उनकी मांगे नहीं मानती है तो वो इससे बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे और जरूरत पड़ी तो VC का घेराव कर यूनिवर्सिटी की तालाबंदी करने का काम करेंगे। सफीदों से विकास सैनी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।